तुम चाहती हो तुम्हारे पति तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बस में हो, चाहती हो तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा, कुछ तो बोल दो, तो तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बस में हो जाएंगे। मंत्र बताऊं? जब भी रसोई घर में जाओ तो किसी की चुगली ना करो, निंदा ना करो, कुछ ना सोचो, या तो भजन गाओ या अच्छा सोचो, क्योंकि तुम्हारे विचार उस आटे में सब्जी में जा रहे हैं और विचारों का बड़ा प्रभाव होता है। तो जिस विचार के साथ तुम भोजन बनाओगे वही विचार तुम्हारे बच्चे और पति के पेट में जाएंगे और वो तुम्हारे बस में हो जाएंगे, क्योंकि भूखे व्यक्ति को भोजन देना भगवान मिलने के समान है, बोलना पड़ेगा। और तुसी क्या करती हो माता, जो पति भोजन करने बैठे तब पूरे दिन की रामायण, तेरी माँ ने ये कहा, उसने नहीं, प्रेम से, तुम्हारा भगवान तुम्हारा पति है। तीसरी बात, गाय को एक रोटी अवश्य देना, पहला भोजन अपने माँ बाप को देना, बोलना पड़ेगा। सास ससुर, जिस घर में बुजुर्ग और माँ बाप हंसते हैं उस घर में भगवान बसते हैं। जब तक आपके घर के बुजुर्ग और घर के पितर ठीक नहीं होंगे, बार बार प्रयत्न करने पर भी घर से बीमारी नहीं निकलती, बोलना पड़ेगा। बैठे बैठे पति पत्नी और बैठे बैठे सब में लड़ाई हो जाती है, कारोबार व्यापार बार बार फैल होता है, पैसे लेके कोई भाग जाता है देता नहीं, ये पितृ दोष के लक्षण होते हैं। और ये पितृ दोष जिस घर में माँ बाप की जीते जी सेवा नहीं होती और वो पितृ जब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तक भगवान भी आपके जीवन में नहीं आ सकते, बोलना पड़ेगा। एक गाय को रोटी नित्य दीजिए, चींटियों को आटा और कुत्तों को रोटी अपने हाथ से खिलाइए, बोलना पड़ेगा। मार ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में गंगा जल का प्रयोग करिए और पितृ शुद्धिकरण के लिए ब्राह्मणों द्वारा गायत्री मंत्र का जाप करिए और अपने पितरों की जो यादें हैं जो समान हैं उसे आत्मा से सजो के रखिए, वो प्रसन्न तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, बोलना पड़ेगा हमारा।